मैं प्रताप सिंह आज़ाद, आप देख रहे हैं जनवाद टाइम अपने साथी मोहम्मद आरिफ के साथ। अभी हम जहाँ खड़े हुए हैं, ये नौफरी गांव है शमसाबाद रोड पर, जहाँ पर लोगों की काफ़ी समस्या है, जहाँ खाने लोग पीने से वो लोग परेशान हैं, जिन्होंने अपने प्रधान से भी शिकायत की कि साहब हमारी कुछ मदद करें, लेकिन जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं है, नहीं मिल पा रही है उनको कोई भी मदद, उसके लिए बात करते हैं जो गाँव के रहने वाले हैं, क्या परेशानी है उनको। हाँ, क्या हुआ, आपने जब 112 नंबर पर फ़ोन किया तो क्या जवाब मिला वहाँ से? वैसे तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया है अभी तक, फिर हमें आपका नंबर मिला था तो इसलिए आपके फोन पे किया है। तो दो बताएं अपनी, तो हम बैंक में जाते हैं कि हमारा पैसा देखो आ गया है, मोदी जी डाल रहे हैं, लेकिन वो कह देते कि नहीं आया है। जनधन खाते खुले हुए हैं, जीरो खाते, और उसमें से चले जाते अपना सा मुँह लेके। अब कंट्रोल से लें या बाजार से लें, कहाँ से सब्जी खाएं, कहाँ से क्या करें, बड़े परेशान हैं। काम एक रुपये का हो नहीं रहा है, भूखे मरने की कगार पर खड़े होंगे। जो राशन कार्ड से मिल जाता थोड़ा बहुत, वही कर लेते, उसमें भी पूरी जो जनसंख्या नहीं पड़ी हुई है हमारी, चौक कटवा देता है या काट दे, कट जाती है। यूनिट मतलब ये जितने यूनिट है उतना नहीं मिलता, उतना नहीं मिलता है। गाँव में कितने आदमी होंगे लगभग जिनके पैसा नहीं मिल रहा? जिनका कम से कम आदमी तो सभी है मेरे ख्याल में, इनका पैसा नहीं मिल रहा है। कितनी आबादी हुई गांव की? गांव की आबादी है करीबन 100 घर की, 100-125 घर की आबादी है जाटों की। नहीं मिल रहे का, और तो औरतों को भले ही आ गए, वो भी उसके लिए गैस सिलेंडर के लिए, लेकिन आदमी का कुछ भी नहीं हो रहा है। सामान मिला था, प्रधान ने दिलवाया था, पता नहीं उन्होंने बांटा था, तो मैं 4 दिन उसके पास गई थी। पहले दिन गई तो बोल दिया कि बाद में नंबर आएगा तुम्हारा, फिर दूसरे दिन गई, फिर तीसरे दिन, 4 दिन गई, सामान मुझे नहीं मिला। मेरी बहू का बच्चा पैदा हुआ था, घर में एक दाना नहीं था, न कुछ था। मैंने कहा था उसे गुड़ ही दिलवा दे मेरी बहू के लिए, कुछ नहीं तो बोल दिया हाँ दुकान से दिलवा दूंगा। फिर दुकान से पूछे, बोला गुड़ है नहीं, और मेरा बेटा दूसरे पैसे उधार लेके दूसरे से तब लेके आया था, और घर में कुछ खाने के लिए नहीं था, इसने बिल्कुल नहीं दिलवाया मेरे लिए। वैसे मैं गांव की आस आऊं और किसी काम की कहते हो तो काम भी नहीं करते। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।